हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं करने वाला हूँ आईफोन 13 में 15.7 अपडेट है अभी इसकी बेसिकली N22 टेस्ट, और देखूँगा कि क्या स्कोर आता है। लास्ट मैंने 15.5 में किया था, तब स्कोर्स आए थे 7 लाख कुछ समथिंग 20 समथिंग 7 लाख 20 40, लेकिन इस बार देखते हैं कि कितने आते हैं। तो यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ N22 की स्को, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 लाख 38 आए थे लास्ट टाइम। अब हम फिर से टेस्ट को कर देते हैं चालू, और इसको मैं कर दूंगा फास्ट फॉरवर्ड ताकि आपको ज़्यादा बोर ना करूं। और तब से लेके जब से मतलब मुझे आईफोन 13 मिला है, तब से लेके आज तक का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा इस पूरी वीडियो में। तो वैसे मैं बताऊं कि यार इसके कैमरास जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इससे अच्छे कैमरास आपको कहीं नहीं मिलने वाले इस प्राइस पॉइंट पर, जिस प्राइस पॉइंट पर ये अभी सेल में मिला है हमें। और इसको कंपेयर अगर आप करोगे आईफोन 14 से, मैंने क्या किया, मैं ऑफलाइन स्टोर पे मतलब गया, वहाँ पे मैंने आईफोन 14 के साथ इसको साइड बाय साइड फिज़िकली भी कंपेयर किया, तो भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है आईफोन 14 और 13 में। और यहाँ तक कि कैमरा भी मैंने देखा तो बस मतलब थोड़ा सा वो वैसा है कि बस फ्रंट में जो ऑटो डिटेक्शन दिया है उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो भी माइन्यूट सा है, इतना ड्रास्टिक नहीं है कि आपको मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े आईफोन 14 के लिए। आईफोन 13 अगर आप ले लेते हो तो आपका भाई सेट है, आपको 14 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 अगर लेने का आप सोच रहे हो ना तो कोई मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप 30,000 दोगे उसमें, एक्स्ट्रा कुछ आपको मिल नहीं रहा, तो क्या मतलब है भाई, पैसे बचाओ और 13 लो। बैटरी भी सेम ही है, जब आईफोन 14 प्लस कुछ आ जाए ना तब देखना, क्योंकि प्लस में इम्प्रूवड बैटरी तो मिल रही है, कम से कम कुछ तो इम्प्रूवमेंट है, और स्क्रीन भी बड़ी मिल रही है। यहाँ पे स्क्रीन तो 6.1 की मिलती है, वहाँ पे 6.7 कुछ की मिलेगी। तो वो एक नया फ़ोन लॉन्च किया है मिनी बंद करके, मिनी मेरे हिसाब से तो बंद पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि मिनी मेरे हिसाब से कोई भी नहीं लेता होगा, क्योंकि यार मिनी बहुत ही छोटा साइज़ का फ़ोन था और वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है मेरे लिए तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मिनी अच्छा लगता था या नहीं, क्योंकि इस बार एप्पल ने तो बंद कर दिया है, और मुझे उस डिसीजन से काफ़ी अच्छा लगा कि यार मिनी बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ में तो समाता ही नहीं था भाई, वो इतना चुन्नू फ़ोन था। और यहाँ हम बात करें इसके बाकी के परफॉर्मेंस की, मतलब गेमिंग वगैरह की, तो गेमिंग तो भाई ताबड़तोड़, मतलब 60 FPS की गेमिंग प्रॉपर यहाँ पे मिल जाती है। 60Hz की डिस्प्ले है तो आपको 60 FPS की ही गेमिंग मिलेगी, लेकिन वो गेमिंग भाई बाकी किसी भी डिवाइस से बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पे एक बार आपको इस डिस्प्ले की आदत पड़ जाए ना, छोटे मतलब 6.1 इंच के फ़ोन्स बहुत कम आते हैं एंड्रॉयड में, 6.7 6.5 ऐसे ही आते हैं, तो 6.1 की अगर आपको आदत पड़ जाए और फिर आप इसमें गेमिंग करोगे ना, तो आपको बिल्कुल अलग लेवल का एक्सपीरियंस फेस करने को मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यार, इसको आप मतलब एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स जो प्रोसेसर होता है ना इसका काफ़ी बेटर होता है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो भाई ओवरऑल तो मुझे अभी तक सही लगा है, अभी मैं iOS 16 में भी अपडेट करूँगा ना जब, तो मुझे और एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलने वाले हैं। ये वीडियोज़ में सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब आप लोगों को पता चल सके कि बेसिकली स्कोर्स कितने आते थे इसके। मैंने YouTube पर सर्च किया, कोई ने भी नहीं बनाई इसके रिगार्डिंग वीडियो, तो मैंने कहा मैं बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो यार इस मेहनत के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार उन्हीं चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे बस लाइक और शेयर ही चाहिए, उसमें आपका ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बात कर लें और चीज़ों के बारे में, तो कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई स्कोर देखो, बढ़ चुका है भाई स्कोर, 7 लाख मैंने 40 कुछ बताया था, 24,000 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7,64,000 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे से थोड़ा थोड़ा वार्म हो चुका है ये डिवाइस, मतलब N22 में ये वार्म होता है इस एरिया में, ये पूरा पर्टिकुलर एरिया जो मैंने बताया ना यहाँ पे वार्म हो जाता है, ये साइड भी इसके गर्म हो जाते हैं। बाकी मतलब ऐसे कैमरा वगैरह यूज़ करने में तो कुछ भी गर्म वरम नहीं फील हुआ था, लेकिन यहाँ पे गर्म हो गया, और यहाँ पे 7,64,000 आया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं बाकी मतलब इसके जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर थे उनसे, तो देखते हैं कितनी रैंकिंग आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, अपनी रैंकिंग आ रही है 13 रैंकिंग आ रही है अपनी, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं 7,64,000 पे 13 रैंक के साथ। अब आईपैड में क्या होता है ना, आईपैड ही ऊपर रहेंगे, क्योंकि आईपैड में ना बहुत सारा एरिया रहता है, और उसकी वजह से ना कूलिंग जो होती है ना वो काफ़ी बेटर होती है आईफोन के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ होता है, कूलिंग उतनी नहीं हो पाती, इस वजह से स्कोर्स थोड़े कम आते हैं, वरना प्रोसेसर तो सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, सब कुछ सेम है। बाकी अगर आपको इसके कवर्स वगैरह बाय करने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट बाय चीप एंड द बेस्ट। तब तक के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।